वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। सो भाई, फाइनली इतने दिनों बाद आज धूप निकल चुकी है और चलते हैं हम थोड़ी सी जॉगिंग कर ले, वरना डेली तो भाई एक ही चीज़ हो रही थी, या तो स्नो हो रही थी या फिर बारिश हो रही थी, बट फाइनली आज धूप निकल गई है देखो, और बहुत ही खुशी हो रही है धूप देख कर यहाँ, क्योंकि हर दिन -4, कभी -3, कभी -7, बट आज नॉर्मल डे है। तो जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं थोड़ी जॉगिंग करने। सो गाइस, वी आर ऑल सेट फॉर द जॉगिंग, चलते हैं और भाई थोड़ा करते हैं वर्कआउट। It's no good for my lungs. I do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable. भाई इतने दिनों बाद धूप देखी तो एक अलग पॉजिटिव एनर्जी सी आ रही है भाई, मतलब रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग लग रहा है सब कुछ। चलते हैं भाई और करते हैं अब जॉगिंग, थोड़ा बड़े होटल पे भी ध्यान दे ले भाई। तो भाई ये स्केटिंग एरिया है, ये मतलब जो वो बोर्ड नहीं होता स्केट बोर्ड, तो वो होती है यहाँ स्केट बोर्ड की प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं यहाँ स्केट बोर्ड की। तो भाई ये है हमारा छोटा फुटबॉल, मतलब यहाँ कभी कभार खेलने आते हैं हम, तो ये फुटबॉल ग्राउंड है। और भाई वो आपको दिख रही होगी वो लेक सी, वहाँ है वो सारा ट्रैक रनिंग वगैरह का। भाई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, संडे को है ना पूरा जर्मनी क्लोज रहता है, बस रेस्टोरेंट या जो भी फूड कोर्ट होते हैं ना वो ओपन रहते हैं, बाकी सब कुछ स्टोर होता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर या किसी भी टाइप की शॉप हो या कोई कंपनी हो, सब कुछ बंद होता है। तो संडे को जर्मन जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय, जैसे सुबह जॉगिंग पे आ जाते हैं, वॉकिंग पे, फिर शाम को अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करते हैं। तो भाई ये एक मतलब लेक टाइप सी है इस पार्क में, एंड लिखा हुआ था कि 12 से 15 फीट डीप है ये, देख सकते हो भाई बहुत दूर तक जा रही है। भाई सभी आते हैं, देख लो, देख रहे, पता नहीं क्या दिख रहा है पर सब देख रहे हैं भाई इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई। पर चेक आउट द व्यूज गाइस, मतलब व्यू प्यारा आ रहा है यार। एक फायदा यहाँ मतलब अपर प्लेटू में रहने का फायदा ये तो है कि मतलब आपको व्यू वगैरह अच्छा मिलता है, बट है ना ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है यार। देखो जैसे ये सारा एक प्लेटू है ये, और इसके पीछे भी एक सिटी या शहर है कोई। भाई ये प्राइवेट अपना गार्डन है, मतलब लोगों ने बना रखा अपना प्राइवेट गार्डन, पर स्नो में तो भाई सब कुछ ख़राब हो गया, देख सकते हो आप, पीछे भी था यहाँ भी है, मतलब सब ख़राब हो चुका है स्नो की वजह से। भाई जर्मनी का मेन स्पोर्ट्स है सॉकर, मतलब फुटबॉल, तो भाई हर जगह आपको है ना हर 200 या 300 मीटर बाद आपको है ना फुटबॉल ग्राउंड दिखाई जैसे। सो फाइनली गाइस, वी हैव डन विद आवर जॉगिंग, तो अब रेडी होते हैं और चलते हैं अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि आज उसके पास लंच है। A few moments later. So guys, we are ready और चलते हैं भाई फ्रेंड के पास। एंड मेन बात है भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की, बट दिखा रखा था कि आज स्नोफॉल ज़्यादा होगी, 70% स्नोफॉल थी, सो इट्स रियली कोल्ड। चलते हैं और पहले तो गर्म गर्म कॉफ़ी चाहिए भाई। ये देखो भाई एडवेंचर, मतलब
चढ़ाई इतनी है ना, मतलब ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं तो कितना नीचे है आपको दिख नहीं रहा हो, बट स्लोप बहुत ज़्यादा डाउन है। एंड वो सिटी सेंटर, वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो सिटी सेंटर है या ना का। एक तो है ना चलना इतना पड़ता है यहाँ पर, मतलब ट्रैम पकड़नी है फिर इतना चलना पड़ता है, अगर वी वॉन्ट बस तो वहाँ भी इतना चलना पड़ता है। कोई भाई जिसका ज़्यादा वेट हो ना जर्मनी आ जाओ, चल चल के वैसे ही पतला हो जाओगे। बहुत ही हाइट पे आ गया यार, मतलब इट्स ऑलमोस्ट द टॉप, दिस वन इज द टॉप, मतलब और 10 मिनट वॉक और मैं टॉप पर। भाई ये सारा एरिया ना मतलब कंपनीज एरिया है, मतलब यहाँ सारी कंपनीज है। सो बेसिकली ये एरिया है जहाँ सारी कंपनीज है, मतलब अलग अलग तरह की कंपनी है यार, लॉजिस्टिक्स की भी है ना, हर चीज की है, मतलब अपॉर्चुनिटीज। सो फाइनली वी आर फ्री नाउ, अब चलते हैं यार पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे एक है ना लेटर पोस्ट करना है एंड बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। फिर बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे पोस्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, सब कुछ मैं आप डिस्कस करता हूँ, एक बार बस पोस्ट कराऊँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस पोस्ट कर दिया मैंने वो लेटर जो मुझे मेन करना था। एक्चुअली भाई यहाँ का क्राइटेरिया ऐसे रहता है कि फर्स्ट यू हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब अपना जो भी जैसे लेटर वेटर है वो एक एनवलप में डालकर देन वो एक स्लिप सी देता है, उसे फिल करो। मतलब लेफ्ट साइड होता है सेंडर से एड्रेस, जैसे मैं भेज रहा था तो लेफ्ट साइड मैंने अपना एड्रेस लिखा एंड राइट साइड जिसको मैं भेज रहा था, देन उसको अपने उस पे एनवलप पे पेस्ट कर दो, फिर जस्ट गिव इट टू देम। और यहाँ बस भाई पोस्ट होता है एक ही, उससे बस एक ही पोस्ट है, दोइश पोस्ट, एंड देन फिर वो फीस बता देंगे क्या है। एंड आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट होता है एक तो एक्सप्रेस और सेकंड होता है जो नॉर्मल। एक्सप्रेस होता है जो वन डे में डिलीवरी कर देता है, एंड सेकंड होता है जो नॉर्मल होता है वो इट टेक्स अराउंड 2 to 4 days, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। इट इज़ अ DM स्टोर, मतलब जहाँ आपको बेसिक नेसेसरी चीज़ मिल जाएगी, आप अपनी फोटोकॉपी भी यहाँ से करवा सकते हो अगर कोई भी प्रिंट आउट वगैरह है। तो गाइस अब चलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, मतलब मन सा कर रहा था कुछ नया लेने का, तो H&M है, H&M पे ही चलते हैं अपना और लेते हैं कुछ। तो भाई ये कुछ और लुक है यहाँ के मॉल्स का, मतलब हर जगह ही सेल रहती है भाई, मतलब आप जिस भी स्टोर में जाओगे तो हर जगह ही सेल वगैरह है। ये लिकर शॉप है ये यहाँ की, मॉल सही में अच्छा है, मतलब सुंदर है, मतलब कुछ भी चाहो आप यू कैन गेट इट हियर। चलते हैं घर पर, क्योंकि रात होती जा रही है, फिर ट्रैम पे ना मतलब धीरे धीरे, मतलब एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद आराम, ट्रैम जैसे डे में आती है हर 10 मिनट्स बाद, बट जैसे जो रात होती है ना आधा आधा घंटे बाद एक ट्रैम आती है। और भाई ये सिटी सेंटर का ट्रैम स्टेशन है, भाई कभी भी आप ट्रैम से ट्रेवल करते हो तो जस्ट लुक एट दिस बोर्ड, मतलब इस बोर्ड पर सब लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है, ट्रेन लेफ्ट साइड में कि ट्रेन नंबर कौन सी, एंड राइट साइड में है टाइम, एंड बीच में कि क्या उसकी डेस्टिनेशन। तो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रैम फ्रॉम दिस बोर्ड, सो जस्ट बी केयरफुल है ना, इसे बस ध्यान से पढ़ना कभी भी। मौसम ही समझ नहीं आता, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी स्नोफॉल होने लग जाती है, कभी धूप निकल जाती है, तो मौसम का भाई यहाँ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि स्नो हो रही है क्या। अभी भाई स्नो हो रही है, दिखाता हूँ भाई, पता नहीं कितनी जस्टिस हो रही है, पर लाइट क्या क्या ना दिख रही होगी आपको स्नोफॉल होती हुई, एंड भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है यार, मतलब
ठंड बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अब चलते हैं बस रूम पे और रेडी होते हैं, फिर फटाफट जिम चल के थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। फुटबॉल मैच के लिए तो ये है जर्मन्स वर्सेस इंडियंस, तुम सबको पता ही है हार कौन दी। हमारा मैच खत्म हो चुका है यार, खुद ही कैसे लगा लो यार कौन जीतेगा इंडियंस और जर्मन्स के बीच में। ऑब्वियसली यार इंडियंस, हम नहीं मानते भाई किसी से हार। तो भाई जैसे ही बाहर आए बर्फ ही बर्फ होगी और स्नोफॉल अभी भी हो रही है, देखो दिख जाएगी तो ढंग से क्लियर हो जाएगा लाइट के आगे। यार ठंड बहुत ज़्यादा थक गया, -4 एंड सुंदर सब थक गया यार पूरे दिन से। चलते हैं अब रूम पे और सो जाते हैं यार, क्योंकि कल फिर ये बिजी शेड्यूल है। सो मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, इफ़ यू लाइक माय चैनल डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।